तो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था आज 17 फेब का, उसको हम देखेंगे। उसकी पूरे जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें पूरी पीडीएफ मेरे पास आ चुकी है फ्रेंड्स, उसका एनालिसिस देखेंगे और पूरी पीडीएफ देखेंगे क्या क्वेश्चन आए थे और क्या पूछा गया। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो कि कम्प्लीट हो चुका है। और अगर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर आता है, उन सभी की वीडियोस आपको अनअकैडमी मिल जाएगी। अनअकैडमी पर आप जाकर, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एक लिंक, यहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और बाकी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी वीडियो के आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप जो रहेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जो पीडीएफ है उसको देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए थे, क्या इसके आंसर हैं, वो सारी चीज़ वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप शेयर कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है। ये एग्ज़ाम हुआ था 17 फेब को, फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है दो की, जो आपका हुई थी 10:30 से 12:30 बजे तक, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ के बाद में क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देख सकते हैं, दिया हुआ है एक समबाहु आंकड़ों का मध्य प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि के द्वारा गणना करने पर। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक घटाने की प्रति प्रायिकता नहीं हो सकती, एक घटाने की प्रायिकता नहीं हो सकती, यह बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। एक बॉक्स में 3 नीले सफ़ेद और 4 लाल कांच के गोलियां रखी हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए प्रायिकता के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, ठीक है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कुछ आए थे इसमें से, और भी हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य है, अभाज्य मतलब इसका भाजक नहीं हो सकता है, अभाज्य है। तो ये 7 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये भी एक आपको क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। देखिए ये आप क्या करना था, विभाजित होता है तो बहुपद आपको ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिया हुआ है आपको एक त्रिभुज दिया है ABC, यदि इसकी जो भुजा ए बी जो है 6√3 है। AC दी हुई आपको कितना दिया है, AC दिया है आपको 12 सेंटीमीटर या 12 मान लीजिए। BC दिया आपको 6, तो B का कोण आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो मतलब ABC, ठीक है, अगर A, B और C यहाँ पर लिखते हैं तो AB जो देखिए आपको AB दिया है 6√3, ठीक है, BC दिया है 6, ठीक है। तो आपको BC का कोण ज्ञात करना है, तो BC का कोण आप ज्ञात करना था आपको, ठीक है। यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए, वो भी देखते चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने बताया था आपको, ओके। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राज्य हैं, अब 29 हो गए, कितने हो गए, 29, 28 नहीं है, ठीक है, 29 हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखिए ये है, अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व सुधार किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है, ऊष्मा की इकाई मतलब बोल्ट नहीं है, ठीक है, एम्पियर नहीं है, ओम रेजिस्टेंस की है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जूल आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, जूल नहीं आएगा यहाँ पर, देखिए ओम और एम्पियर नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बताया हीट ऊष्मा की, तो ओम गलत है यहाँ पर, ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस की है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भविष्य के बुद्ध
है जिसमें जिनमें अभी अवतरित होना है, अवतरित होना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था। एक और देखिए, पोलियो रोग किस में खराबी होने के कारण होता है। पोलियो रोग जो होता है किस में खराबी होता है, लीवर में होती है खराबी, पेट में होती है, आंतों में होती है, गुर्दे में होती है, तब होता है, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में जाना जाता है। तिब्बत में से जो नदी जाती है उसको क्या कहते हैं, वो बताना था आपको। तो इसको क्या कहते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यूरी गार्गिन क्या है। यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम या अंतरिक्ष यात्री थे, या अंतरिक्ष यात्री किस देश के थे, बताना था आपको ये किस देश के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक है, फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक है, बताना था आपको। तो ये 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता जो जो स्थल है वो कहाँ पर है। अगला देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बनारस जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे, बताना था आपको। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर, और भी पूरी जो सीट है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, और पीडीएफ बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अंगवाट क्या है, अंग कुरवाट मंदिर कहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये सही से नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण है, कौन सुनामी का कारण है, सुनामी किससे आता है, ज्वालामुखी के कारण आता है, हिमस्खलन के कारण आता है, टोर्नेडो का कारण आता है, अर्थक्यूब के कारण आता है। तो अर्थक्यूब यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध निर्मित है कहाँ पर निर्मित है, तो देखिए ये कहाँ पर है, झेलम नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस के रचयिता थे, तो देखिए कालिदास लिखा हुआ है, वेदव्यास लिखा है, तो तुलसीदास यहाँ पर आंसर रहेगा। अगला देखेंगे, दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, किस नदी को जाना जाता है, गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को या नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुंगभद्र अभयारण्य कहाँ है, तुंगभद्र अभयारण्य कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तुंगभद्र जो है वो कहाँ पर है। तो ये अगला क्वेश्चन 40 का देखेंगे, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर, बताना था आपको। अगला क्वेश्चन, जय संहिता मूल नाम है, जय संहिता मूल नाम किसका है, बताना था आपको, किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है, बताना था सूखा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है। देखिए 43 देखेंगे, लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44, किस खेल से बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, किस खेल से बटरफ्लाई संबंधित है, कबड्डी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, स्विमिंग से है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए, तो देखिए लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, किसी भी सदन से होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये लोकसभा से होता है, किससे होता है, लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 46, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोल को लोहे चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है, तब बताना था क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 47, एक घोल लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है, बताना था आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर की तरफ से काला हो रहा है इसका कारण है, इसका कारण क्या है, बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए, विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है, विद्युत प्रवाह के क्या, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसको, अमीटर बोलते हैं, मोटर बोलते हैं या जनरेटर बोलते हैं, विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र का नाम बताना था आपको। निम्नलिखित क्वेश्चन देखेंगे 59, निम्न में से कौन सा जैविक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है, जैविक ऊर्जा का, गुड़, गोबर, न्यूक्लियर पावर या कोल, तो ये सबरे तो हैं, कौन सा नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60, निम्नलिखित में से कौन सा
खाद्य श्रृंखला बनाता है, कौन सा खाद्य श्रृंखला बनाता है बताना था अब आपको। आप कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने थे। ओके आगे देखेंगे, तो देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की आवृत्ति के बारे में सही है, बाएं से दाएं के बारे में सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है तत्व की प्रकृति कम धात्विक होती है। तो बाएं से दाएं जाने में मतलब कि आपको देखिए यहाँ पर लेफ्ट, देखिए लेफ्ट फ्रॉम राइट मतलब लाइट लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको इस पॉइंट से इस मतलब हाइड्रोजन से हीलियम तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अगला देखें इलेक्ट्रॉनों के रसायनों संयोजन की संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी देखें अणु अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देते हैं। ऑप्शन डी देखेंगे तत्व के ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो आपका आंसर देखिए एक बार और पढ़ते हैं, तत्वों की प्रकृति कम धात्विक होती है, तो कम धात्विक होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनों के रासायनिक संयोजन की संख्या में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन ए रहेगा वही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का भाग होता है? तो पोषण का होता है, न्यूट्रिशन का होता है, श्वसन का होता है, मल विसर्जन का होता है, या संरचन संचार का यानी ट्रांसपोर्टेशन का होता है। यानी कि मानव शरीर का गुर्दा क्या करता है, श्वसन करता है, ठीक है, क्या करता है, श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को कहते हैं, दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को कहते हैं बताना था आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पौधे के पराकोष में होता है, एक पौधे के पराकोष में होता है बताना था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54, बैक्सिक क्या है, बैक्सिक दृष्टि से हम में अधिक समानता होती है, हमने समानता होती है ये बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? तो प्लास्टिक यू है नहीं किया थी, ठीक है जी, प्लास्टिक ठीक है, लेकिन मिट्टी यहाँ पर आंसर रहेगा, प्लास्टिक सही है लेकिन मिट्टी यूज नहीं किया थी, ठीक है, ग्लास बनाने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्रों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव के नेत्रों में किस किस तो देखिए कॉर्निया बनता है, आयरिस में बनता है, पुतली बनता है, या रेटिना में बनता है। तो मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? द ह्यूमन ए आईज फ्रॉम द इमेज ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज इट कॉर्निया, आयरिस, पुतली और रेटिना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 68 नंबर, देखिए यहाँ पर इंग्लिश क्वेश्चन है, यहाँ से हम देखते हैं वोकैब के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, तो ये आप इजीली कर लेंगे। एक्चुअल में हम देखते हैं जीके क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, रीजनिंग क्वेश्चन दिया है। तो देखिए दिया हुआ है हलीकर और गाय, क्या है हलीकर और गाय, ठीक है हली कर और गाय। अगला दिया है आपको डच सुंड और कुत्ता, और गिर और आयरन, गिर और लायन, ठीक है, और दिया है आपको गॉट और लैम्प, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देना था आपको 91 नंबर देखेंगे, देखिए आपको एक संख्या दी है, क्रम में संख्या दी है, अगली संख्या क्या होगी, मतलब 7 दी है, 10 दी है, ठीक है 3 हो गया, ठीक है फिर 8 दी है, 2 माइनस हो गया, फिर इसमें कितना प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया, ठीक है फिर 2 माइनस हो गया, फिर ठीक है फिर 3 प्लस हो गया, फिर 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस मतलब 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए व्हाट कम्स नेक्स्ट, मतलब कि आर आ गया, यू आ गया, फिर ए आ गया, ठीक है, आर का उल्टा यू और एक्स का उल्टा ए, और ए का ए, डी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर डी अजी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 93 नंबर, ठीक है, तो देखिए यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ठीक है, तो महीने का 19वां दिन क्या बार होगा? तो फ्रेंड ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ कैलेंडर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि ई ए आर एन संबंधित है आर ए एन ई से, तो वो जो बी ओ एन डी है वो संबंधित है एन ओ डी बी से, तो उसी प्रकार टी ई ए आर टीयर जो है संबंधित है किससे संबंधित बताना है आपको। ओके ये बताना है आपको,
और भी क्वेश्चन देखते जाते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए 80 नंबर आ गया यहाँ पर, देखिए 97, 95, ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जो रहेगी उसमें मिल जाएंगे। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अलग अलग जो आप मुझे स्क्रीनशॉट आए थे एक्चुअल में वो अलग अलग आए थे, ठीक है, इसलिए सिस्टमेटिकल नहीं दिख रहे यहाँ पर, ठीक है। ये मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, ओके। और यहाँ से कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनकी जो आंसर कीज रहेंगी वो आपको शाम के टाइम मिल जाएंगी, सारे 100 क्वेश्चंस की 100 आंसर कीज जो हैं वो आपको मिल जाएंगी शाम को 101%। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करने का बेल का आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।